और हॉकी टीम की जीत पर नीता अंबानी ने बधाई दी है। ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर हॉकी टीम को नीता अंबानी ने पूरा देश जश्न मना रहा है कहकर बधाई दी है। और साथ ही नीता अंबानी ने कहा है कि पूरा देश आपके जश्न में शामिल है, आपको और ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, आपकी मेहनत ने हॉकी में सफलता दिलाई है, हॉकी की समृद्धि विरासत फिर जीवित हो गई है। तो हॉकी की जो समृद्ध विरासत है वो फिर जीवित हो गई है, नीता अंबानी ने कहा, और जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी मेहनत को सराहा है और कहा कि देश इंतजार कर रहा है आपके स्वागत के लिए। तो देश के स्टार रेसलर विनेश फोगाट के लिए आज का दिन बहुत अहम है। आज विनेश फोगाट की डिस्क्वालिफाई के खिलाफ दी गई अर्जी पर खेल पंचायत न्यायालय आज सुनवाई करेगा और दरअसल ये सुनवाई भारतीय समय अनुसार दोपहर करीब 1:30 बजे होगी। खेल पंचायत न्यायालय ने विनेश का पक्ष रखने के लिए 4 वकीलों की पेशकश की थी, लेकिन भारतीय दल ने अनुभवी काबिल वकील नियुक्त किए जाने की मांग की है। खबर है कि भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश सालवे विनेश फोगाट की डिस्क्वालिफिकेशन मामले में खेल पंचायत न्यायालय के सामने आज भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से पेश होंगे। और सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि पीएम मोदी के निर्देश पर विनेश फोगाट को सर्वोत्तम कानूनी सहायता दी जा रही है। और इस पूरे मामले की सुनवाई आज दोपहर 1:30 बजे होगी और सभी की निगाहें इस पर रहेंगी। लगातार इस खबर पर भी बने रहेंगे हम।